अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद साद खान और मैं UBIT से पढ़ता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो गाइस, सीन ये था कि हम आ रहा सडन सीन बना कि हम फिशिंग पे चलते हैं रात में बैठे बैठे, तो सब लड़कों ने ऑन करा। पर हम लोग सुबह निकल रहे थे तो मौसम बड़ा अच्छा था, तो दोस्तों ने बोला गाड़ियाँ छोड़ के बाइकों पर चलते हैं। फिर इस तरह हम लोग बाइकों पर हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब हम लोग हाईवे पे आ गए थे तो भूख भी बहुत लग रही थी, तो सबने सोचा बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। तो हमारा नाश्ता वाश्ता आ गया, अब हम लोग नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता वाश्ता करके फ्री हुए, फिर हम पेट्रोल डलवाने गए, वहाँ से पेट्रोल वेट्रोल डलवाया और फिर हमारा सफ़र हुआ शुरू। रास्ते में बहुत प्यारा मौसम था और थोड़ा सा ऑफ रोड भी मिला, लेकिन बहुत प्यारा व्यू था। आप लोगों को मैं व्लॉग में आगे दिखाता हूँ। रास्ते में हमें बहुत से गांव भी देखने को मिले और बच्चे स्कूल जाते हुए देखे, लोग अपने जानवर चढ़ा रहे चला रहे थे और भी बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत हसीन मनाजिर थे। फिर हमें यहाँ ये बच्चे दिखे जो स्कूल का बंक मार के बैठे हुए थे। फिर हमने उन लोगों से रास्ता रास्ता पूछा और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला कि हम गलत आ गए हैं और हमें पीछे ही जाना। फिर हम ये जगह बहुत प्यारी लगी, हमने तो सोचा इधर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। फिर थोड़ी ड्राइव के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जो व्यू था उसी के पैसे थे। इतना खूबसूरत व्यू कि कोई हद नहीं थी। चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। रोड तो बहुत साफ था लेकिन कुछ जगह ऑफ रोड भी मिला, थोड़ा जहाँ रोड टूटा हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो रोड था वो बिल्कुल साफ था। यानी बंदा गाड़ी में भी जा सकता है, हम बाइकों में है, लेकिन गाड़ी के लिहाज से भी रास्ता बहुत अच्छा है। और फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुँचे हैं। खैर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे, हमें जाना कहीं और था और हम लोग कहीं और पहुँच गए फिशिंग के लिए। खैर है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम अभी इधर करेंगे। तो ये फिशिंग वगैरह का सारा सामान जो है सेट है, बस हम रेडी कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिशिंग। खामोशियों में सदा, और ये मेरा दोस्त आटा डाल के छोटी मछलियों को खाना खिला रहा है और हमने इनको पकड़ने की भी कोशिश करी लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। सारा सामान तैयार करने के बाद हमने फिशिंग स्टार्ट कर दी और हम लोग ग्रुप में बढ़ गए कि दो साइड इस तरह करके और सब ने फिशिंग स्टार्ट कर दी। अब देखते हैं हमारे पास फिश आएगी हमारे पास में नहीं। क्या लगता है मछली आएगी नहीं आएगी? अरे दो घंटे आ रहा हूँ हमजा भाई, जाना चाहिए दूर। ओड़े नाइस वन, इसी फीलिंग आ रही है एक मछली पकड़ के।
वो भी इतनी किधर ये री दलदल बना हुआ देख रहे हो, इतनी सी मछली है। अबे इसको अंदर रख दे, इसे भी तोड़ पाने दिखा तुझे, तूने कितने बांधे ये देखो, 7-8 कांटे बांधे पकड़ी तूने, एक भी नहीं है अभी तक। क्या करें, वो देख बोल रहे हमने तालाब में पूछा उधर मछली नहीं है। जा जा मार मदर, कौन सा तालाब